हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज मैं खेलने वाला हूं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप लोगों को पता है क्या होता है, मैं अकेला और सामने चार बंदे, तो 1v4 का सिचुएशन है एक तरह से देखा जाए तो। तो देखते हैं बंदे कैसे आते हैं, और 1v4 सिचुएशन है तो मैं मारा भी जा सकता हूँ, पर मुझे अच्छे से खेलना है और इस गेम को ईजी पीजी बुइया भी निकालना है। तो बहुत सारे बंदे पिक के ऊपर आ रहे हैं और मेरे सामने भी एक बंदा आ रहा है। यहाँ से मुझे बस एक अच्छा गन मिल जाए, और एक बंदा आ गया यहाँ पर और इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ। और ये बंदा देख रहे हो 99 IQ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी नेट से, पर मैं मरने वाला नहीं हूँ ऐसे, और मैं वो कॉन्ग बन जाता हूँ, नहीं तो कोई बंदा पीछे से आकर के मार सकता है। बहुत सारे बंदे पिक के ऊपर आए तो मुझे संभल कर खेलना पड़ेगा। और एक बंदा सामने भी मुझे दिख गया, एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड में तो दिख गया, पर उसको मैं मार नहीं सकता, मेरे पास लॉन्ग रेंज गन नहीं। अभी मैं मारने की कोशिश करूँगा, पर शॉर्ट में जाकर के मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं रिक्स अभी लेने वाला नहीं। और एक बंदा मुझे सामने दिख गया और इसको भी मैं मार ही दूंगा, और हेडशॉट से ख़त्म। इसके पास गन नहीं था, अगर गन रहता तो शायद से वो मुझे मार सकता था, और गन था गाइस UMP। अब देखते हैं क्या होता है इस गेम के अंदर। और मेरे पास लॉन्ग रेंज गन तो नहीं है, बट UMP है, ठीक ठाक है शॉर्ट रेंज के लिए, दोनों गन सही है। इस गन में एमो नहीं है गाइस, यही लॉन्ग रेंज गन मिल तो गया है। अब देखते हैं क्या होता है इस गेम के अंदर। शॉर्ट रेंज के लिए एक अच्छा गन चाहिए, नहीं तो मैं देखता हूँ UMP ले लूँगा अगर ये गन। और एक बंदा मुझे और सामने दिख गया, फुट स्टेप तो आ रहा था, और ये बंदा डाउन। हालांकि मेरा कमेंट्री बहुत ज़्यादा वीक है, मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छा कमेंट्री करने की, और आप लोगों को एंजॉय इंटरटेन करने की भी कोशिश करूँगा। और मैग में मेरे पास बस एक ही एमओ है, देखते हैं कहाँ एमओ मिलने वाला है। शॉर्ट गन एमओ बहुत मुश्किल से मिलता है गाइस, अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। शॉर्ट गन एमओ और शॉर्ट गन दो मुंडा गाइस जिसको आप लोग कहते हो, वो दोनों बहुत मुश्किल से मिलता है इस मैप में, कहीं पर भी आप लोग ढूंढ लो बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। अगर विंडिकेटर मशीन दिख जाए तो उसमें से शायद से 100 कॉइन्स में ले सकते हो आप लोग। अब देखते हैं बंदे कहाँ हैं और कहाँ बंदे कैंप कर रहे हैं। कैंप तो नहीं गाइस, मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये बैटल रॉयल है, ना कि VR रैंकेड मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं अगर रैंकेड गेम खेलता तो उसमें बहुत ज़्यादा रिक्स रहता है सोलो बस स्क्वाड गेम के अंदर। और क्योंकि गाइस मैं रैंकेड गेम खेलता तो उसमें बुइया निकालना बहुत मुश्किल है, आप लोगों को पता हो तो, बुइया निकालना बहुत नामुमकिन सा होता है अगर आप सोलो बस स्क्वाड में हो तो। देखते बुइया निकल पाता है या फिर नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं मुझे कट करना पड़ेगा, क्योंकि बंदे अभी मिल नहीं रहे। तो फाइनली मुझे बंदा दिख गया है, मतलब रिवाइव होते हुए दिख गया है, शायद से वो बंदा रिवाइव कर देगा, मुझे जाना होगा नहीं तो वो बंदा रिवाइव कर देगा गाइस। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट देखते हैं बंदा हो तो। मेरा किल अभी 3 किल है, और मैं और किल कर सकता हूँ। और सोलो बस ये स्क्वाड गेम है तो बहुत ज़्यादा रिक्स है, मुझे संभल कर खेलना होगा। और इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, बॉडी शॉट लगा, लेकिन इस बंदे ने ग्लूअल लगा लिया, पर गाइस मैं मारूंगा। और इस बंदे ने अपने टीममेट को भी रिवाइव कर दिया, तो अब देखते हैं उसका टीममेट कहाँ पर जाता है। यहीं पर आना चाहिए, मैं मारने की कोशिश करता हूँ, और ये बंदा डाउन तो हो गया। और दूसरे स्क्वाड का बंदा आ गया गाइस, इसको हेडशॉट से आखिरी बंदा बचा था अपने स्क्वाड का, वो भी ख़त्म। और सोलो बस स्क्वाड गेम है, अगर एक भी स्क्वाड दिख जाए और मुझे ख़त्म कर दे तो ये वीडियो गया गाइस। और एक बंदा शायद से लैंड किया अभी, और वो बंदा शायद रिवाइव कर रहा है, मुझे मारना होगा नहीं तो वो बंदा सीरियसली रिवाइव कर देगा, और रिवाइव कर ही दिया गाइस। अब आखिरी बंदा शायद से इसके स्क्वाड का है, नहीं तो और बंदे हो सकते इसके स्क्वाड के, तो ये बंदा तो डाउन हो गया। अब शायद से आखिरी बंदा बचा होगा, दो बंदे तो मैंने क्लियर कर दिए इस स्क्वाड के, अब शायद एक बंदा नहीं तो दो बंदे बचे होंगे, देखता हूँ वो बंदा कहाँ है। और सामने मुझे एक बंदा और लैंड होते हुए दिख गया है, शायद वो बोट है, मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ। और ये आखिरी बंदा बचा था इस स्क्वाड का, और ये भी ख़त्म। अब देखते हैं बंदे कहाँ मिलते हैं। और गाइस लूट मुझे अच्छा खासा मिला तो नहीं अभी तक, बट देखते हैं किसी के लूट बॉक्स में मिले अच्छा खासा लूट तो देखते हैं। और मेरे पास मैग का एमओ नहीं है, शॉर्ट गन एमओ नहीं है, ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट देखते हैं मिलता है या फिर नहीं। और इसके अंदर से गाइस मैं बोल रहा था और मिल गया एमओ, और साथ साथ स्कोप भी 4x स्कोप मिल चुका है। अब मुझे बस बंदों को ढूंढना है और उसको मारना है, और मुझे किल चाहिए, किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किल ना मिले और बुइया मिल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक भी बंदा मुझे दिखा नहीं है, तो मुझे वीडियो को साइड से कट करना पड़ेगा। तो गाइस मुझे बंदे दिख गए सामने, आपस में फाइट कर रहे हैं, स्क्वाड साइड से आ गया वहाँ पर, और आखिरी बंदा साइड से बचा है यहाँ पर, और इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, हेड लेने की कोशिश करता हूँ। हेड लगे तो लग गया गाइस हेड, और ग्रोजा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं ग्रोजा बहुत अच्छा चला लेता हूँ। और ड्रॉप तो दो दो है, पर एक ड्रॉप में तो कुछ नहीं है, और इस ड्रॉप में मैं देख लेता हूँ कि क्या है। लॉन्चर ना बस रहे, और लॉन्चर है गाइस, इसके अंदर लॉन्चर है, बट
देखते हैं आज सामने लूट अच्छा खासा मुझे मिल जाए। ग्लू वॉल की बहुत ज़रूरत है गाइस, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ सोलो बस या स्क्वाड गेम। और गाइस मैं बता दूँ तो अगर आप लोग सोलो बस या स्क्वाड गेम खेलते हो कभी भी, तो एक्स्ट्रा एमओ और एक्स्ट्रा ग्लू वॉल रखा करो, क्योंकि कभी भी काम आ सकते हैं। आपके टीममेट भी नहीं रहेंगे सोलो बस स्क्वाड गेम में, आपको सामने अगर स्क्वाड दिख जाए तो इजी पीजी आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो उस स्क्वाड को। तो इसलिए एक्स्ट्रा हर चीज़ रखा करो सोलो बस स्क्वाड गेम में। और आप लोग देख रहे हो मैं खुद नहीं रख रहा हूँ अभी, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बट इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझ सकते हो। अभी तो मेरे 8 किल हो चुके हैं और एक बंदा मुझे सामने दिख गया। और देख रहे हो गाइस ऐसा होता है, सभी बंदे के साथ होता होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताता हूँ क्या होता है अभी। कि स्कोप जब भी आप लोग ऑन करने के लिए जाते हो बट स्कोप नहीं ऑन होता है, आपका ड्रैग बटन है वो ड्रैग हो जाता है बट स्कोप ऑन होता ही नहीं है। और एक बंदा अभी क्लियर मैंने कर दिया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ नहीं तो किल चोरी हो सकता है। बहुत सारे बंदे यहाँ पर क्लॉक टावर पर गाइस, बंदे बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पर देखो एक और बंदा है और ये बंदा आउट ऑफ एरिया चला गया, मैं इसको मार नहीं सकता। अभी एक बंदा पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है शायद से, और ये बंदा शायद मुझे ही मार रहा है शायद, हाँ गाइस मुझे ही वो मार रहा था। अब स्कोप में बस आ जाए तो मैं उसको रेड नंबर मार ही दूंगा, पर स्कोप में आने वाला नहीं, वो आउट ऑफ एरिया चला गया है। अब देखते हैं बंदे कहाँ पर है और मैं किल करता हूँ वहाँ पर, आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली जोन में पहुँच गया और आप लोग देखो बंदे कितने सारे अलाइव है, 10 बंदे बस अलाइव है और 9 किल, मेरा 9 किल है और 10 बंदे अलाइव है। अब देखते हैं बंदे कहाँ पर होने वाले, और सामने मुझे मैप में एनिमी स्पॉट हुआ है बट मैं जाकर देखता हूँ शायद से ड्रॉप पर वो बंदा होगा। और ये बंदा दिख तो गया है और इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, पर गाइस अभी मैंने स्कोप ऑन करने की कोशिश की थी पर स्कोप ऑन हुआ नहीं, मुझे बैक जाना होगा नहीं तो वो बंदा मुझे मार सकता है। उसको ग्रोजा तो पक्का मिला होगा गाइस, अभी देखते हैं। उस बंदे को मैंने डैमेज तो दिया पर वो बंदा डाउन नहीं हुआ, जंप हो गया था और इसने देखो क्या कर दिया। गाइस आप लोग देख रहे हो मैं अभी सेंटर जोन में हूँ, अगर एक भी बंदा दिख गया वो बंदा मुझे मार सकता है सीरियसली, मुझे मैडी मारना होगा नहीं तो वो बंदा आ करके मुझे मार सकता है। उसके पास ग्रोजा था, जैसा कि मैंने बोला था ड्रॉप से ग्रोजा मिल सकता है, और उसको मिला ग्रोजा और उसने मुझे डैमेज दो दिया गाइस, बहुत डेंजर वाला। एक बंदा तो डाउन हो गया, सबसे पहले मैं इस बंदे को क्लियर कर देता हूँ नहीं तो ये बंदा रिवाइव हो जाएगा। अब रिवाइव हो जाएगा, ग्लू वॉल उसने लगा दिया तो अब शायद से रिवाइव हो सकता है। मेरा अभी भी 9 किल है और एक बंदा मुझे सामने दिख गया, कार चला रहा है, बट उस बंदे को उतार कर मुझे ख़त्म करना है नहीं तो इस बंदे ने मुझे मार दिया तो मेरा यहीं पे गेम समाप्त। और गाइस वो बंदा शायद से रिवाइव करने के लिए गया होगा बीमा शक्ति के ऊपर, और अभी मैं देखता हूँ बंदे कहाँ है। एक बंदा मुझे सामने दिख गया, इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ बट वो बंदा शायद बच जाएगा, और हाँ गाइस बच गया। और गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग कभी भी जो बंदा ऊपर हवा में हो उसको मारने की कोशिश करो तो ड्रैग करना है बट अप में ड्रैग नहीं करना, ऊपर ड्रैग नहीं करना है आपको, डाउन में ड्रैग करना है जिससे उस बंदे को हेड लगेगा। अभी मैंने आप लोगों ने देखा होगा तभी मैं कोशिश कर रहा था नीचे की ओर ड्रैग करने की, तो हेड तो नहीं लगा बट गाइस उसको डैमेज अच्छा खासा पहुंचा। तो आप लोग नीचे की ओर ड्रैग करना, इससे हेड लगने की चांस बहुत ज़्यादा होती है, वो भी हवा में के बंदे को। तो ग्रोजा तो मुझे दिख गया बट लू या फिर नहीं, और मेरे पास कॉइन भी बहुत ज़्यादा है गाइस, मैं ग्रोजा तो पक्का लूँगा यहीं से और ले लेता हूँ मैं ग्रोजा। और सामने मुझे बंदा एक दिख गया है टावर के ऊपर शायद से, बंदा है गाइस, उस बंदे को मैं क्लियर कर देता हूँ। और टावर पर एक बंदा है अभी, मुझे दिखा तो है बट देखते उस बंदे को बाद में मैं मारूँगा। और गाइस देखते हैं मैं कितना किल कर पाता हूँ। और एक बंदा सामने अभी लैंड किया, उसको मैं हेड लगा गाइस उसको, और ये बंदा डाउन ड्रॉप के ऊपर जा रहा था ग्रोजा मिल जाए इसके लिए, बट ग्रोजा मिलने वाला था नहीं, उसमें ग्रोजा शायद से ना हो क्योंकि एक बंदे ने लूट लिया था ऑलरेडी। और एक बंदा मुझे सामने दिख गया, उसको मैं हेड मारने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट लग नहीं रहा, और ये बंदा डाउन, हेड लगा लास्ट मूवमेंट पे विदाउट स्कोप में लगा था और स्कोप मेरा ऑन हो गया था इस समय पर। और एक बंदा और दिख गया ग्लू वॉल के पीछे तो खड़ा है बट मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, और ये बंदा बच गया, शायद से रिवाइव करने के लिए जा रहा है, उसका टीममेट हो इसलिए रिवाइव करने के लिए जा रहा है, शायद से वो बंदा रिवाइव कर देगा उसको बट कोई बात नहीं गाइस। टावर पर मैंने एक बंदे को देखा था, देखते हैं वो बंदा है या फिर नहीं टावर पर, अभी वो बंदा टावर पर है या फिर नहीं, टावर पर है गाइस वो बंदा, उसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ बट उस बंदे ने डैमेज दे दिया मुझे। ग्लू वॉल देख रहे हो गाइस सामने लगा ग्लू वॉल, और किस किस के साथ ऐसा होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ग्लू वॉल बहुत बार ऐसा होता है कि ग्लू वॉल सामने लगने के बदले बहुत ज़्यादा सामने लग जाता है, बंदे के सामने लग जाता है। और परमानेंट कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग रैंकेड गेम खेलते हो तो सबसे पहले मुझे टावर वाले बंदे को ख़त्म करना होगा नहीं तो वो बंदा मुझे पीछे से मार सकता है,
और ये बंदा एम तो आ रहा है बट इस बंदे को ये बंदा ख़त्म, क्लियर हो गया। ग्रोजा गाइस, ग्रोजा का पावर देख रहे हो, बस 5 गोली लगती बंदा क्लियर हो जाएगा, पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। अब गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे अलावा बस 3 बंदे बस बचे हैं। अब मुझे कैसे भी करके इस गेम को बुइया निकालना है। अब मेरे अलावा बस 2 बंदे, अब देखते हैं कैसे इस गेम को निकालना है। और लास्ट वाले बंदे को देख रहे हो गाइस, कितने बंदे, दोनों बंदों को अकेला ही उसने ख़त्म कर दिया। अब मुझे कैसे भी करके इस गेम को बुइया निकालना है। मेरे अलावा बस आखिरी बंदा बचा है, लास्ट वाला बंदा। अब इसको मैं कैसे मारता हूँ आप लोग देखो, मार पाता हूँ या फिर नहीं। इस गेम को बुइया तो निकालना है जैसे तैसे करके, देखते हैं मारता हूँ या फिर नहीं। अब कैसे मारता हूँ इसको, हेड तो लगा बट ये बंदा ख़त्म नहीं हुआ, बस एक गोली का बचा होगा ये बंदा सीरियसली। और मैंने नेड कर दिया तो वो बंदा ख़त्म हो सकता है, मेरे पास नेड है, मैं नेड करने की कोशिश कर तो करता हूँ, देखते हैं नेड से ख़त्म होता है या फिर नहीं। एक नेड तो गया बट डैमेज नहीं आया इस नेड से, और ये नेड, इस नेट से डैमेज आया गाइस। अब आखिरी नेट लग जाए और ये बंदा ख़त्म। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।